प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल की तरफ से नमस्कार। आपको बता दें, प्रयागराज से देखिए बड़ी खबर आ रही है। जिला अध्यक्ष महिला मोर्च की आकांक्षा सोनकर ने आज बाढ़ क्षेत्रों में दौरा किया। वहीं आपको बता दें, ग्राम मझियारी और आपको बता दें कि वहीं कसाजा बिरवाल आदि क्षेत्रों में ही उन्होंने पीड़ित से मिलकर हालचाल पूछा है। आइए एक बार पूरी खबर पर नजर डालते हैं। जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की आकांक्षा सोनकर ने वे आज बाढ़ क्षेत्रों में के दौरा वही किया। प्रभावित ग्रामीणों के बेचारी कुनावा कासमा और वही विरारर के लिए आदि बाढ़ क्षेत्रों के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर वह हाल चाल पूछी है और प्रशासन के पूरी मदद दिलाने का आश्वासन दिया गया है। उसके बाद उन्होंने वह बाढ़ राहत शिविर का भी निरीक्षण किया है और वहीं पर कहा है कि सही समय पर बाढ़ पीड़ितों को खाना और वह नाश्ता दिया जाएगा, जिसमें लोगों को दिक्कत ना हो। और कहा गया है कि बाढ़ समाप्त होने के बाद बाढ़ क्षेत्रों में दवा शिकवाड़ करवाया जाएगा, जिससे लोगों को बीमारी से निजात मिल सकेगी। इस मौके पर वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर आर के सिंह ने भी खावत सप्लाई के इंस्पेक्टर समाज सेवी मुकेश त्रिवेदी वही पर प्रधान कांता के राम दुलारी पूर्व प्रधान पचवर पप्पू पांडे आदि लोग मौजूद रहे हैं। नहीं आ पा रहे हैं तो वो पैकेट बनकर उनके पास जा भी रहा है। मैंने अपने गाँव में पूछा भी लोगों से, उन्होंने कहा नहीं हमें मदद मिल रही है और बराबर दूसरी बात यह है कि तमाम जैसे पंजाबसा के लोगों ने यह किया, जो प्रशासन द्वारा मेनू जारी किया गया है बाढ़ पीड़ितों के लिए, मेनू के हिसाब से भोजन न मिलकर के मेनू के डिफरेंट। न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस